मॉर्निंग। आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब पदार्थों के विद्युतीय गुणधर्म। देखिए, विद्युत के सुचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें जनरली क्या होते हैं, मेटल्स का जो कैटेगरी है वो विद्युत का बहुत अच्छे से चालन करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि पदार्थ की बंधन अवस्था में, पदार्थ की जो बॉन्डिंग होती है, जो एटम्स की बॉन्डिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करके मुक्त रूप से पदार्थ में विद्यमान रहते हैं। मुक्त रूप से रहने का मतलब ये है कि उनका कोई पेरेंटल एटम नहीं होता है। मतलब पेरेंटल एटम, जैसे कि हम सभी लोग अपनी फैमिलीज में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, एक घर में बॉन्डिंग बनी रहती है, इस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम का वो इलेक्ट्रॉन है, वो उस एटम के पास नहीं रहकर जो पदार्थ है उसमें स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। उसका कोई पेरेंट एटम नहीं होता है। वो जब एटम के पास होता है तब तक तो एटम के पास होता है, लेकिन जैसे ही बॉन्डिंग बनके वो पदार्थ का निर्माण करता है तब वो उस एटम को छोड़ के पूरे पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। अब पदार्थ में क्या होता है, बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं तो पदार्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। तो ये जो रैंडम मोशन है इसका मतलब है कि यादृच्छिक रूप से ये इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में गतिशील अवस्था में रहते हैं। अब जब गति करेंगे तो ये क्या करेंगे, कोलाइड विद आयंस, क्योंकि इन्होंने अपना एटम को छोड़ दिया है। जब एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो एटम क्या हो गया, आयनित हो गया, पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया ना। अगर इलेक्ट्रॉन एटम से दूर चला गया है, उसको छोड़ दिया है, तो वहाँ क्या बच गया, आयन बच गया। तो ये क्या करते हैं, जब फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं तो ये आयंस के साथ कोलाइड करते हैं, टक्कर करते हैं, टक्कर करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनकी टक्कर में जो संवेग होता है, इनका गतिशील अवस्था में है, वेग है और द्रव्यमान भी है, तो इनमें क्या होता है, संवेग होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एटम्स, क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे आयंस बनेंगे और बहुत सारे आयंस हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब यादृच्छिक गति हो रही है, यादृच्छिक टक्कर हो रही है, तो हर एक दिशा में क्या होती है, टक्कर होती है हर एक दिशा में। जैसे अगर प्लस एक्स दिशा में, प्लस एक्स दिशा में कोई टक्कर हो रही है प्लस एक्स में, तो क्या होगी, माइनस एक्स दिशा में भी टक्कर होगी। अब सिंस एम सेम है और हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का वेग भी सेम हो, तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी का मिल जाएगा, तो क्या होगा, एम वी माइनस एम वी, क्योंकि दिशा अलग है, तो एम वी माइनस एम वी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो क्या मिलेगा कि नेट जो वेलोसिटी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, जीरो, क्योंकि एक प्लस एक्स दिशा में गति कर रहा है, एक माइनस एक्स में गति कर रहा है, एक प्लस वाई में करेगा तो दूसरा उसे कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस वाई वाला, क्योंकि बहुत सारे, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं पदार्थ में और बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डेफिनेटली एक डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रॉन मिल ही जाता है, तो क्या होता है, नेट वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है। अब देखिए, अगर हम उस चालक तार पर, जो हमारा चालक तार है जो कि मेटल से मिलके बना है, उस चालक तार पर अगर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो क्या होता है, चालक तार पर विभवांतर उत्पन्न होता है। इससे क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र मिलता है। जब तार पे हमने लगाया तो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको विद्युत क्षेत्र मिला। विद्युत क्षेत्र मिलने पर इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित होता है, उसको त्वरण मिलता है। त्वरण मिलने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आयन से कोलाइड करता है, उसकी एनर्जी का लॉस होता है, और क्या होगा, जब एनर्जी का वो लॉस कर देगा तो एक लिमिटेड एनर्जी का वो लॉस कर देगा जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो तार की लंबाई की दिशा में नियत वेग से गति करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर गति करेगा, ये हमारा चालक तार है, इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, मान लीजिए हम एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, हमने प्लस टू माइनस विद्युत क्षेत्र लगाया है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो हमेशा किधर मूव करेगा, पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा,
विद्युत क्षेत्र की अपोजिट दिशा में। तो इसी तरह जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडमली मोशन कर रहे थे पहले, वो सभी इलेक्ट्रॉन जब इनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो ये त्वरित होंगे, त्वरित होकर ये अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट हीट एनर्जी में लॉस कर देंगे एंड देन ये माइनस एक्स दिशा में, यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर की बात करें तो ये माइनस एक्स दिशा में सभी इलेक्ट्रॉन्स माइनस एक्स दिशा की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसे हम ये जो अब इनकी जो वेलोसिटी होगी, देखिए इन्होंने क्या किया कि एक लिमिटेड एनर्जी तो इन्होंने हीट एनर्जी में लॉस कर दी, अब ये क्या करेंगे नियत वेग, जिसे क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी कहेंगे, इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग। ये इलेक्ट्रॉन्स अपवाह वेग वीडी से प्लस जो एंड है इसका उसकी तरफ मूव करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे हम, ये जो वीडी है इन इलेक्ट्रॉन्स का अपवाह वेग है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे कर रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे उतना ही ज्यादा वीडी की वैल्यू होगी, उतनी ही ज्यादा अपवाह वेग से इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे। अपवाह वेग से गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ही विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा तो इनमें अपवाह वेग उत्पन्न नहीं होगा और फिर ये विद्युत धारा का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ही दिशा में गति नहीं करेंगे। जब एक ही दिशा में गति नहीं करेंगे तो इनकी गति जो है वो कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पा रहे हैं तो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता पे ही निर्भर करती है, गतिशील इलेक्ट्रॉन से ही विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं करंट डेंसिटी। किसी धात्विक तार के इकाई काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। तो देखिए ये तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करके किस पे करते हैं, इकाई काट क्षेत्रफल पे। तार का जो ये पार्ट होता है, काट क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है उतनी ही कम उसकी धारा घनत्व होगी। जितना मोटा तार आप लेंगे उसका धारा घनत्व उतना ही कम होगा, क्यों, क्योंकि J इक्वल्स टू क्या होता है I अपॉन A, इसे हम कहते हैं धारा घनत्व। J क्या होता है, धारा घनत्व होता है, I उसमें बहने वाली धारा है, और जितना ज्यादा उसका काट क्षेत्रफल आप लेंगे उतनी ही कम उसकी धारा घनत्व होगी। तो जितना ज्यादा मोटा तार आप लेंगे उतना ही धारा घनत्व कम होता चला जाएगा। तो देखिए इसमें हम पढ़ते हैं, माना कि तार की लंबाई, माना तार की लंबाई L है, एक L लंबाई का हमने तार लिया और उसका काट क्षेत्रफल A है, विद्युत क्षेत्र E लगाते हैं हम इसके ऊपर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला बल कितना होगा, F इक्वल्स टू माइनस E इंटू E, इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग VD है। माना तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इकाई आयतन में कितनी है, स्मॉल n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत सारी है, हमने इकाई आयतन में इसको फिक्स कर लिया, ये कितनी है स्मॉल n बता रही है। तो t सेकंड में तार के किसी a अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, ये होगी n इंटू आयतन। t सेकंड हमने समय t मान लिया क्योंकि हमने जब विद्युत क्षेत्र लगाया इस पे तो तार के किसी ए अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, एन गुणा आयतन। ठीक है, ये होगी आयतन, आयतन को हम लिख सकते हैं एन गुणा क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक है, दिस इज इक्वलेंट टू एन इंटू ए, लंबाई को हम लिख सकते हैं वेग गुणा समय, क्योंकि वेग बराबर होता है लंबाई अपॉन टाइम। ठीक है, दूरी बटा समय होती है, तो दूरी कितनी हो गई, वेग गुणा समय हो गई, तो वी डी टी लिख दिया। प्रवाहित आवेश कितना होगा Q, जब हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता चल गई है तो क्या होगा, इसे इसके आवेश से गुणा कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस ई, माइनस इसे इस राशि को गुणा कर दिया। तार से प्रवाहित धारा क्या होती है, गुजरने वाला आवेश पर यूनिट टाइम, तो Q अपॉन टी हो गया। Q अपॉन टी करके इस करंट की वैल्यू हमने निकाल ली, आई इक्वल्स टू माइनस ई एन ए वी डी। नेक्स्ट देखिए, जे क्या होता है हमारा, करंट डेंसिटी होती है आई अपॉन ए, जे इक्वलेंट टू होगा माइनस एन ई वी डी। तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी की वैल्यू आई है वो आई है इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एन गुना उस इलेक्ट्रॉन का आवेश दैट इज माइनस ई, और इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और सिंस जे क्या है आई अपॉन ए है तो इसका यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए विद्युत चालकता, विद्युत चालकता क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
सिंस हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है, आई प्रोपोर्शनल टू वी होती है, कि किसी चालक तार में उत्पन्न जो धारा होती है वो उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर के या विभव के प्रोपोर्शनल होती है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर। यहाँ पर वन अपॉन आर जो हमने लिया है ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है, सॉरी दिस इज वन अपॉन प्रतिरोध, तो ये चालकता होगी, दिस इज कंडक्टेंस सिग्मा, ठीक है। सो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम चालकता की बात करते हैं तो यहाँ हम लेंगे कि जो करंट डेंसिटी जे है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ वी था, यहाँ पर हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर सॉरी जो जे लेंगे वो प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे वायर पे, कंडक्टिंग वायर पे, उतना ही उसमें क्या होगा, करंट डेंसिटी प्रोड्यूस होगी। सो इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हम लेंगे दैट इज सिग्मा ई, ओके, दिस इज सिग्मा ई। तो सिग्मा जो होते हैं यहाँ पर, ये होती है पदार्थ की विद्युत चालकता, दिस इज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। सो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, जे ओवर ई, लेकिन जे हमने क्या निकाला था, माइनस एन ई वी डी, सो सिग्मा हमारा हो गया माइनस एन ई वी डी अपॉन ई। सो ये हमारी सिग्मा की फॉर्मूला आ गया, सिग्मा इक्वल्स टू माइनस एन ई वी डी अपॉन ई, और इसका जो यूनिट होती है वो होती है मोह पर मीटर, ओम का रिवर्स होता है, सो ओ एच एम ओम होता है, इसका रिवर्स हो जाता है मोह, प्रतिरोध का उल्टा होता है, और पर मीटर होती है, सिग्मा इक्वल्स टू दिस मोह पर मीटर। देन गतिशीलता, मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है, देखिए मोबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें, जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन हैं, जो मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्रीली मूव करने के लिए कितना उनका मतलब सक्षम है एक तरीके से, तो उनका ये हमें कंटेंट बताता है कि कितना ज़्यादा वो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। म्यू इक्वल्स टू होता है वी डी अपॉन ई, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी डी की वैल्यू होती है म्यू इंटू ई, सिग्मा इक्वलेंट टू, सिंस यहाँ पर वी डी की जगह मैं म्यू ई रख सकती हूँ, तो अगर सिग्मा के फॉर्मूले में मैं वी डी की जगह म्यू ई रखूंगी तो ये वैल्यू बन गई सिग्मा इक्वल्स टू माइनस एन ई म्यू। तो सिग्मा और म्यू में रिलेशन होता है, सिग्मा इक्वल्स टू माइनस एन ई म्यू, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड म्यू। विद्युत प्रतिरोधकता सिग्मा रो, रो हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता चालकता की व्युत्क्रम होती है, तो सिग्मा की वैल्यू हो गई वन अपॉन सिग्मा, रो की वैल्यू हो गई वन अपॉन सिग्मा ओम मीटर, ठीक है, इसका जो यूनिट होगी वो इसकी उल्टी हो जाएगी, इसका इन्वर्स हो जाएगी, तो मो की जगह ओम हो जाएगा और अपॉन में मीटर है तो ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, सो ओम मीटर। अब देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, धातुओं की विद्युत चालकता तथा ऊष्मा चालकता अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। शून्य ताप के निकट कुछ धातुओं की प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाती है, ये इस गुण को अति चालकता कहा जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता शून्यता, बिल्कुल परम शून्यताप के निकट, बिल्कुल परम शून्यताप तक तो नहीं पहुंच सकते लेकिन उसके बिल्कुल नज़दीक बहुत निम्न तापमान पर, इनकी प्रतिरोधकता बहुत लेस हो जाएगी और चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस गुण को कहते हैं अतिचालकता। ये सभी पदार्थ शो नहीं करते हैं, कुछ पदार्थ तथा कुछ पदार्थों के मिक्सचर बनाते हैं वो ये अतिचालकता का गुणधर्म रिप्रेजेंट करते हैं। देन मैग्नेटो रेस्ट्रिक्टिव इफेक्ट, चुंबकीय प्रतिरोधी प्रभाव क्या होता है, धातुओं की चालकता मैग्नेटिक फील्ड से चेंज होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है धातु पे तो उनकी जो चालकता होती है वो इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटो रेस्ट्रिक्टिव इफेक्ट कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक चालक में इलेक्ट्रॉन गैस की साम्यावस्था, देखिए ये टॉपिक बड़ा है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, इसे हम इसके दो पार्ट हैं तो हम दोनों ही पार्ट के इस फर्स्ट और के सेकंड नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।